हेलो 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 एवरीबडी, हाउ इज एवरीबडी डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम टू द टुडे सेशन. हेलो एवरीबडी, अ वेरी 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 सुपर्ब गुड इवनिंग. चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए. आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Everybody, a warm, warm, warm welcome in the today's session. हम कर रहे हैं Sales of Goods Act और आज है Sales of Goods Act का Unit Number 3 का complete revision. Everybody, अभी तक हम लोगों ने Sales of Goods Act का Unit 1 पूरा कर लिया है. Unit 2 जो कि Condition and Warranties पे था, उसे भी complete कर लिया है. और अब हम आ गए हैं Unit 3 पे. और आज की क्लास में हम Unit 3 को बहुत अच्छे से complete करने वाले हैं. Each and every section of Unit 3 will get completed in today's class. इसी के साथ साथ मैं सभी बच्चों को एक और चीज बोलना चाहती हूँ. हो सकता है आपने Unit 3 पहले पढ़ा हो सकता है उतने अच्छे से नहीं पढ़ा हो सकता है किसी का बहुत अच्छे से हुआ हो सकता है किसी का बिल्कुल रफली उतना ज्यादा थॉरली नहीं हुआ हो, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ हो. आपकी जैसी भी पढ़ाई हुई भी है, आज के इस सेशन में, इस सेशन को अगर आप अंत तक अटेंड करते हैं, यूनिट 3 आपके टिप्स पे हो जाएगा. सारी चीजें आपको यूनिट 3 की बहुत अच्छे से रिवाइज और समझ आ जाएगी. इसीलिए आज का सेशन प्लान किया गया है संडे को, ताकि कंप्लीट रिवीजन रख सके. और थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्लास जो रहेगी ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा तक की रहेगी, 1.5 आवर तक की क्लास रहेगी. एंड विल कंप्लीट द एंटायर यूनिट 3, 1.5 to 2 आवर्स. आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1.5 आवर. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी. चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं, सारे बच्चे तैयार हैं, यो 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 बच्चों तैयार हो क्या? यस, एवरीबॉडी इज रेडी. हेलो मैडम, हेलो 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 मैडम, आज स्पेक्स पहने हुए हो? यस, आईज में मेरे थोड़े एलर्जी है इसलिए, और प्रिकॉशनरी मेथड, कल से आपके मैराथन स्टार्ट हो रहे हैं ना, आईज को ठीक रखना बहुत जरूरी है. तो आज मेरे आईज में मुझे थोड़ा इरिटेशन लग रहा था, इसलिए मैंने स्पेक्स पहना है. कभी कभी पहनती हूँ. आ जाइए एवरीबॉडी, चलो चलो चलो. ऑल राइट देन, सारे बच्चे अगर आ गए हैं तो लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड. चलिए चलो एवरीबॉडी, चलिए चलिए आज की सेशन की शुरुआत की जाए बच्चों. सो फाइनली अपने यूनिट 3 को पूरा खत्म करने का अपना स्टडीज स्टार्ट करते हैं. चलो चलो एवरीबॉडी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 18 to 26. सबसे पहले हम पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. आप मेरे को बताइए, क्या ये जरूरी है क्या देखना? प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ओनरशिप. ओनरशिप किसकी है ये देखना जरूरी है क्या? इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओनरशिप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गुम जाते हैं, या कोई भी लॉस या डैमेज हो जाता है, तो किसकी रिस्क होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, किसकी रिस्क होगी, ये देखना बहुत जरूरी है. इसलिए प्रॉपर्टी किसके पास है? प्रॉपर्टी सेलर के पास है, ओनरशिप सेलर के पास है, या ओनरशिप बायर के पास है, ये देखना बहुत ज्यादा क्या है, स्वाभाविक है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना. क्योंकि अगर लॉस हो जाता है तो फिर ये किसकी रिस्क है वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओनरशिप किसकी है ये देख के. चलिए, अब गुड्स आपको पता है, सेक्शन 18 कहता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनअसर्टेन्ड गुड्स. सेक्शन 18 क्या कह रहा है? अगर गुड्स अनअसर्टेन्ड है. मैडम अनअसर्टेन्ड गुड्स क्या होते हैं? बेटा आपने ना, मैंने बस फोन किया, मैंने ऐसे फोन किया, मैंने कहा हेलो, किसी दुकानदार को मैंने फोन किया और बोला हेलो सुनो, तुम ना मुझे ना ये चीज ऐसे भेज देना, तुम ना मुझे ऐसा एक टीवी भेजना जो ऐसा ऐसा फ्लैट स्क्रीन हो, उसमें ऐसा हो, ये फीचर हो, ये फीचर हो, ये फीचर हो. तो मैंने ना खुद जाके सेलेक्ट नहीं किया, मैंने शॉपकीपर को फोन करके बस ये कह दिया कि आप मुझे ये सर्टेन डिस्क्रिप्शन का गुड्स भेज दीजिए. तो उसे कहते हैं अनअसर्टेन्ड गुड्स. तो कहता है अनअसर्टेन्ड गुड्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने फोन करके बोला कि आप मुझे एक टीवी भेज दीजिए जिसमें ये फीचर्स हो, कहता है अगर अनअसर्टेन्ड गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैनॉट पास. ओनरशिप बायर के पास तब तक ट्रांसफर नहीं हो जाती है जब तक कि गुड्स एसर्टेन ना हो जाए.
एसर्टेन ना हो जाए मतलब क्या होता है, एसर्टेन ना हो जाए मतलब क्या होता है, जब तक कि गुड्स सेलर आइडेंटिफाई ना कर ले और उन्हें सेपरेट ना कर ले। देखो मैंने तो बोल दिया आप मुझे ऐसे टीवी भेज दीजिएगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो जब तक कि सेलर सारे टीवीज में से जो मेरे डिस्क्रिप्शन का टीवी है वो अलग ना कर दे, आइडेंटिफाई करके सेपरेट ना कर दे, एसर्टेन ना कर दे, तब तक कहता है तब तक की प्रॉपर्टी पास नहीं होती, तब तक की बायर के पास ओनरशिप पास नहीं होती है। सेक्शन 18 आगे भी आएगा। ओके, इंटेंशन ऑफ पार्टीज एज पर सेक्शन 19, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर। कहता प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, जब बायर और सेलर का इंटेंशन हो, बायर का इंटेंशन हो प्रॉपर्टी लेने का और सेलर का इंटेंशन हो प्रॉपर्टी देने का। जब तक की इंटेंशन नहीं होगी तो ओनरशिप कैसे पास होगी। इंटेंशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि टर्म्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का है, पार्टीज ने क्या डिसाइड किया है, किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस है, उससे डिसाइड होता है इंटेंशन। कहता है देखो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर, सेलर से प्रॉपर्टी बायर के पास कब ट्रांसफर होगी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जैसा जब उनका इंटेंशन होगा। इंटेंशन कैसे डिसाइड होता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड किया है, दोनों ने क्या डिसाइड किया है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं एक एक करके सारे बच्चे। अभी हम क्या देखने वाले हैं, स्पेसिफिक और एसर्टेंड गुड्स अगर होते हैं। मैम अनपेड सेलर, बेटा अनपेड सेलर का गेमिंग गुरु, बेटा अनपेड सेलर आज नहीं है, आप जैसे हेडिंग देख सकते हो यूनिट 3 का रिवीजन है आज, ठीक है। ओके ऑलराइट, एवरीबडी एवरीबडी या ध्यान देंगे, स्पेसिफिक या एसर्टेंड गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, अनएसर्टेंड गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, गुड्स जब अप्रूवल पे भेजे जा रहे हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, तब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट्स टू डिस्पोजल, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो एवरीबॉडी यहां पे ध्यान देंगे, कल की क्लास में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, अगर मान लो स्पेसिफिक गुड्स है या एसर्टेंड गुड्स है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। सारे बच्चे यहां ध्यान देना, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, अगर आपने ये गुड्स सेलेक्ट कर रखे हैं कि मुझे ये गुड्स चाहिए या एसर्टेंड गुड्स है, तो कहता अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। कहते हैं व्हेन देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जब सेल किसका हो रहा है, स्पेसिफिक गुड्स का हो रहा है, और ये गुड्स बिल्कुल क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में है, बिल्कुल तैयार है। लेट्स से मैं टीवी खरीदने गई हूं, मैंने बोला मुझे ये टीवी चाहिए, टीवी एकदम डब्बे में पैक्ड है, सारी चीजें हुई हुई है, तो गुड्स बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में है, तो कहता है प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर, प्रॉपर्टी बायर के पास कब ट्रांसफर होगी, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, मतलब जैसे ही सेल हुआ, जैसे ही मैंने बोला हाँ मुझे वो टीवी चाहिए, सरल ने बोला ठीक है टीवी आपका, तो मुझे बोलो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाए तब क्या होगा, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई। कहता है स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में हो तो जैसे ही बायर और सेलर डिसाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, गुड्स की ओनरशिप बायर के पास आ जाती है। गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में हो, तो मैं गई किसी टीवी शॉप में और मैंने बोला मुझे ये टीवी चाहिए, तो सेलर ने बोला हाँ बिल्कुल तैयार है, एकदम पैक्ड है, आप ले लीजिए, तो गुड्स की ओनरशिप किसके पास चली गई, बायर के पास चली गई। बायर ने पेमेंट किया कि नहीं, गुड्स की डिलीवरी हुई कि नहीं, ये बात की बात है। ओनरशिप इज नॉट इफेक्टेड बाय, ओनरशिप के लिए प्राइस पे किया कि नहीं तुरंत, डिलीवरी हुई कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। ओनरशिप के लिए डिलीवरी हुई कि नहीं, प्राइस पे किया कि नहीं, जरूरी नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने अगर एक्सेप्ट कर लिया और गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, बायर को। चलिए दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। अब मैंने बोला मुझे टीवी चाहिए, पर टीवी में अभी कुछ फीचर्स डालने बाकी है, टीवी के अंदर मशीन कुछ और फिट करनी बाकी है, मतलब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तैयार नहीं है। मतलब पहले केस में डब्बा पैक्ड टीवी पड़ा हुआ था, इस केस में अब टीवी में ना कुछ मशीन डालनी बाकी है, कुछ 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 करना बाकी है। तो कहता है देखो जब तक कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं हो, मैंने बोला मुझे ये टीवी चाहिए, सेलर बोल रहा है कि अभी इसमें ना कुछ फिटिंग विटिंग करनी पड़ेगी, तो कहता है व्हेन द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग, अगर सेलर की तरफ से कुछ करना बाकी है गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, तो कहता है प्रॉपर्टी पास नहीं होगी जब तक कि सेलर उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में नहीं ले आता और जब तक कि बायर को बता नहीं देता। मतलब मैंने बोला कि मुझे वो टीवी चाहिए,
वो बोला कि यार ये टीवी में ना कुछ मशीन डालनी बाकी है, तो पहले मैं मशीन डालूंगा, उसके बाद जब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा बायर, तब ओनरशिप आपके पास जाएगी। तो मुझे बताओ, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब दो चीजें होगी, जब सेलर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ले आएगा और बायर को इन्फॉर्म कर देगा, तब क्या होगा, ओनरशिप उन गुड्स की बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, आगे स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है, बट सेलर को कुछ करना पड़ेगा प्राइस एसर्टेन करने के लिए। मतलब गुड्स अब डिलीवरेबल स्टेट में है, लेट से मैं गई दुकान में और मैंने बोला मुझे गेहूं चाहिए, तो गेहूं पड़ी हुई है, बिल्कुल पैकेट में पैक्ड गेहूं पड़ी हुई है, लेकिन सेलर को गेहूं को क्या करना पड़ेगा, पहले तोलना पड़ेगा ताकि डिटरमाइन कर सके कि कितना पैसा लगेगा। तो कहता है व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। देखो गुड्स कह रहा है डिलीवरेबल स्टेट में तो है, पर सेलर को क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, जैसे वेट करना पड़ेगा प्राइस को एसर्टेन करने के लिए, कोई मेजरमेंट करने पड़ेंगे, कोई टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। कहता है गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में है, बट सेलर को अगर कुछ करना पड़ेगा ना प्राइस एसर्टेन करने के लिए, तो कहते हैं प्रॉपर्टी कब तक ट्रांसफर नहीं होगी, जब तक कि सेलर वो एक्ट कर नहीं लेता प्राइस डिटरमाइन करने के लिए और बायर को इन्फॉर्म नहीं कर देता। एवरीबडी, सारे बच्चे समझ गए? एवरीबडी, सारे बच्चे समझ गए क्या? एवरीबडी, सारे बच्चे समझ गए क्या? हमने स्पेसिफिक गुड्स की बहुत अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ ली बेटा। स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो जब सेलर उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाएगा और बायर को इन्फॉर्म करेगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, जब डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन सेलर को कुछ करना पड़ेगा प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, तो जब वो कर लेगा ऐसा काम और बायर को इन्फॉर्म कर देगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। वेरी वेरी गुड। चलिए बेटा, तो ये हो गया स्पेसिफिक गुड की कहानी। मैडम हमने यहाँ पे क्या चीज पढ़ी? बेटा आपने यहाँ पे कहानी पढ़ी स्पेसिफिक एंड एसर्टेन्ड गुड्स की। अब हम पढ़ेंगे पासिंग ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स। सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे। चलिए मैम, अनएसर्टेन्ड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? मैंने बस फोन किया था, मैंने शॉपकीपर को फोन किया था, अरे यार मेरे को ना एक टीवी चाहिए, ऐसा एकदम फ्लैट स्क्रीन होना चाहिए टीवी, और उसमें ये फीचर्स होना चाहिए, वो टीवी ऐसा होना चाहिए कि मैं उसमें कोई भी चीज क्या कर लूं, मिरर कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे ऐसे फीचर वाला टीवी चाहिए, एक भेज दो। तो मैं गई क्या शॉपकीपर की दुकान में टीवी सेलेक्ट करने के लिए? नहीं। क्या मैंने चूज किया? नहीं। क्या मैंने टीवी को आइडेंटिफाई किया? नहीं। मैंने बस डिस्क्रिप्शन दिया है। अब सेलर क्या करेगा, उस गुड्स को मैंने जो डिस्क्राइब किया है उस हिसाब से गुड्स को आइडेंटिफाई करेगा और भेजेगा। अनएसर्टेन्ड गुड्स होता है। आपने अभी सेक्शन 18 ऊपर क्या पढ़ा था अनएसर्टेन्ड गुड्स के लिए? कहता है देखो, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स, अगर आपने सेल क्या चीज की है, अनएसर्टेन्ड गुड्स की। सेल किसकी हो रही है? अनएसर्टेन्ड गुड्स की। बस मैंने फोन पे बोला है मुझे ये चाहिए, डिस्क्राइब किया है। तो कहता है प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू द बायर, बायर के पास ओनरशिप तब तक नहीं जाएगी तब तक कि गुड्स क्या नहीं हो जाते, जब तक कि गुड्स एसर्टेन नहीं हो जाते। एसर्टेन नहीं हो जाते मतलब जब तक कि सेलर सारे गुड्स में से मेरे डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर लेता, अलग नहीं कर देता, जब तक कि सेलर गुड्स को एसर्टेन नहीं कर देता तब तक बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा ओके, तो मैडम बेसिकली आप ये कह रही हो अगर गुड्स अनएसर्टेन्ड है, आप ये कह रही हो कि अगर गुड्स अनएसर्टेन्ड है तो सेक्शन 18 ने भी यही आपने भी बात पढ़ी थी, जब तक कि गुड्स एसर्टेन नहीं हो जाते बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड टू बायर जब तक कि गुड्स एसर्टेन नहीं हो जाते। अनटिल एंड अनलेस गुड्स एसर्टेन ना हो जाए तब तक कि ओनरशिप पास नहीं होती बायर के पास। इसके लिए और क्या रूल बना हुआ है देखते हैं। कहता है द रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स को लेके क्या रूल्स बने हुए हैं ये देखते हैं। सेक्शन 23 कहता है सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब मैंने फोन पे डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से सेलर मुझे सामान बेच रहा है।
कहता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर सेल हो रहा है अनसर्टेन्ड या फ्यूचर गुड्स का बाय डिस्क्रिप्शन, तो कहता है गुड्स आर सच गुड्स आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर और वाइस वर्सा द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर। कहता है प्रॉपर्टी कब पास होगी बायर के पास, मतलब ओनरशिप बायर के पास कब जाएगी। एक तो जब गुड्स असर्टेन हो जाते हैं और ये जो गुड्स है वो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिए जाते हैं। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट किए जाना मतलब, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, कहते हैं अनअसर्टेन्ड गुड्स की ओनरशिप बायर के पास कब जाएगी। ओनरशिप कब जाएगी, जब गुड्स क्या हो जाएंगे, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो जाएंगे। मैम अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो जाना मतलब क्या, मतलब सेलर गुड्स को आइडेंटिफाई कर ले कि बायर को यह भेजना है, उसे सेपरेट कर ले सारे गुड्स से, उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में डाल दे, जो भी डब्बे डुब्बे में पैक करना है वो पे पैक कर दे, एंड किसका असेंट ले ले, और सेलर बेच रहा है ना, या तो बायर असेंट ले ले या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, असेंट ले लिया जाए किसका, बायर का। एवरीबडी समझा, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो जाना मतलब सेलर ने क्या किया, गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया। मैंने जो फोन पे बोला था उस हिसाब से सेलर ने गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया, अलग करके रख दिया, उसे डब्बे में पैक कर दिया, डिलीवरेबल स्टेट में डाल दिया, और बायर को सहमति, बायर को फोन करके पूछ लिया, देख बायर ऐसा ऐसा गुड्स मैंने साइड में रखा है, ऐसा ऐसा डब्बे में पैक कर दिया, तुझे मंजूर है ना, तो आपने असेंट वगैरह भी ले लिया, तो उसे कहते हैं अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो जाना। तो अनकंडीशनली जब अप्रोप्रिएट हो जाता है ना, तो अनअसर्टेन्ड गुड्स की ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। और क्या कह रहा है, कहता है जब सेलर गुड्स को डिलीवर कर दे बायर को, कहता है या तो सेलर ये गुड्स किसको भेज दे, कहता है सेलर या तो ये गुड्स बायर को भेज दे या फिर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी या कैरियर को भेज दे या बेली को भेज दे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, ही डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। बायर के पास गुड्स भेज रहा है, सेलर गुड्स बायर को भेज दे या किसी भी कैरियर को भेज दे और अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ना रखे, मतलब आप बायर के पास कोई भी राइट रिजर्व, मतलब बेसिकली आप अपने पास कोई भी राइट रिजर्व नहीं कर रहे हो, मतलब आप ये नहीं बोल रहे हो कि बायर तेरे को पैसा देना पड़ेगा तो ही मैं तुझे गुड्स दूंगा, नहीं, आप अपने पास जब कोई राइट नहीं रखते हो, राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब कोई राइट ऑफ डिस्पोजल, बायर को आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, जब सेलर ने अपने पास कोई भी राइट नहीं रखा है, नो राइट रिजर्व्ड विद द सेलर उन गुड्स को लेकर, तो उसे कहते हैं अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर देना। एवरीबडी, तो ऐसे केस में गुड्स क्या चले जाते हैं, अनअसर्टेन्ड गुड्स की ओनरशिप बायर के पास चली जाती है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे आपने यहां पे क्या पढ़ा, एकदम सिंपल बात पढ़ी बेटा, अनअसर्टेन्ड गुड्स की ओनरशिप, अनअसर्टेन्ड गुड्स अगर सवाल आता है एग्जाम में, अनअसर्टेन्ड गुड्स की ओनरशिप बताओ बायर के पास कब जाएगी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे तब तक ओनरशिप नहीं जाती जब तक कि गुड्स असर्टेन ना हो जाए, और उसके साथ साथ क्या रूल बना हुआ है, उसके साथ साथ रूल्स बने हुए हैं, क्या रूल बने हुए हैं, सबसे पहले अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, जब तक कि सेलर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन मतलब गुड्स को साइड में ना रख दे, उसे बिल्कुल तैयार ना कर दे मतलब डिलीवरेबल स्टेट में ना ले आए, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ना हो जाए, एंड रूल दूसरा क्या कहता है, जब गुड्स डिलीवर करता है सेलर, या तो बायर को डिलीवर कर रहा है या किसी और को, मतलब बेली को डिलीवर कर रहा है या कैरियर को डिलीवर कर रहा है, व्हेन ही डज नॉट कीप एनी राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा सेलर ने, गुड्स डिलीवर करने के समय सेलर ने कोई भी राइट नहीं रखा डिस्पोजल का, तो ऐसे केस में ओनरशिप बायर के पास चली जाती है। सारे बच्चे समझ में आ गया, एवरीबडी कोई वर्ड लिमिट नहीं है बेटा समक्ष, एवरीबडी, जब तक कि गुड्स असर्टेन ना हो जाए, जब तक कि सेलर
सेलर उन गुड्स का अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ना कर दे विद द असेंट ऑफ द बायर और वाइस वर्सा, एंड डिलीवरी अगर कर रहा है सेलर गुड्स की बायर के पास व्हेन ही डज नॉट कीप एनी राइट ऑफ डिस्पोजल विद हिम. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सारे बच्चे समझ में आ गया क्या? बच्चों कोई भी डाउट है क्या? वेरी वेरी सिंपल बेटा. अनकंडीशनल मतलब आप कोई भी राइट अपने पास नहीं रख रहे, सेलर बस गुड्स बायर को दे रहा है, अनकंडीशनली दे रहा है, मतलब कोई भी राइट अपने पास नहीं रख रहा उन गुड्स को लेकर, आप बायर को ही दे रहे हो. आपने सेलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया, उसको एकदम डिलीवरेबल स्टेट में डाल के बायर को दे दिया, तो बायर के पास ओनरशिप चली गई. एवरीबडी सबको समझा बेटा? जवाब दोगे कॉमेंट सेक्शन में. एवरीबडी अंडरस्टूड क्या? सिर्फ राज का यहाँ पे मुझे जवाब आया समझा, और गिरिक का आया यो. एवरीबडी सबको समझ गया? वेरी गुड बेटा, चलो ओके. चलिए तो यहाँ पे एक छोटी सी एसेंशियल्स दी हुई है, ये सारे पॉइंट को मिक्स करके एक एसेंशियल्स दिया हुआ है. कहता है देखो, गुड्स कब अनअसर्टेंड गुड्स कब बायर के पास चले जाते हैं? कहता है जब अनअसर्टेंड गुड्स का सेल हो रहा हो, तो गुड्स सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, उनका अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए. अप्रोप्रिएशन या तो सेलर विद द असेंट ऑफ बायर होना चाहिए, या बायर विद द असेंट ऑफ सेलर होना चाहिए. मतलब या तो सेलर ने सहमति ली होनी चाहिए कि बायर भिजवा दूं ना ये सामान, या बायर ने बोला हो कि मुझे, बायर उसके गोडाउन में चला गया, क्या बायर सेलर के गोडाउन में चला गया, बायर बोल रहा है कि मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, ये भिजवा दो. तो देख लो, बायर विद द असेंट ऑफ सेलर एनीथिंग कैन बी डन. असेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. कहता है देखो, जब भी अनअसर्टेंड गुड्स का सेल होता है, तो गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड होने चाहिए. एन अप्रोप्रिएशन सेलर विद द असेंट ऑफ बायर, या बायर विद द असेंट ऑफ सेलर. ठीक है, ओके, सिंपल. मैम प्रॉपर्टी के केस में किया होगा. मैम प्रॉपर्टी में तो ओनरशिप बेटा वही पढ़ रहे अपने. अच्छा, नेक्स्ट केस, सेक्शन 24, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ सामान आपके घर पे भिजवाया कि ठीक है तुम्हें अच्छा लगे तो तुम रखना, तो सेल माना जाएगा, नहीं तो नहीं. तो कहता है देखो, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल, मैंने आपके घर पे कोई सामान भेजा कि आपको अच्छा लगे तो सेल, नहीं तो वापस. ठीक है, तो कहता है जब गुड्स अप्रूवल के बेसिस पे भेजे जाते हैं, तो ओनरशिप बायर के पास कब चली जाती है? कहता है या तो देखो बायर अपना अप्रूवल दे दे सेलर को, बायर बोल दे अरे ये तो बढ़िया गुड्स है, मेरे को बढ़िया लग गए, मैं रख रहा हूं. या तो कहता है बायर अपना सेलर, बायर अपना अप्रूवल दे दे सेलर को. कहता है या तो बायर कुछ ऐसा काम करे जो कि इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग गुड्स हो, मतलब कोई ऐसी चीज करे जिससे, लेट्स से वो उस सामान को यूज करने लग गया अपने डेली मर्रा के जीवन में, तो मतलब उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, उसने कोई ऐसा काम किया जिससे उसने दिखाया है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है. या फिर डज नॉट अप्रूव बट रिमेन्स गुड विदाउट नोटिस ऑफ रिजेक्शन. लेट्स से वो उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया, बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन बायर है ना उन गुड्स को एक महीने से यूज कर रहा है, या एक महीने से बायर के पास ही पड़े हैं, तो मुझे बताओ क्या वो अप्रूवल पे भेजा हुआ गुड्स अगर बायर के पास रीजनेबल टाइम से ज्यादा पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर ही लिया, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. मुझे एक बात बताओ, गुड्स अगर अप्रूवल पे भेजे जाएंगे, अगर गुड्स अप्रूवल पे भेजे जा रहे हैं, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी बायर को? सारे बच्चे ओनरशिप मुझे बताओ कब ट्रांसफर होगी, किसको? बायर को ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तीन केसेस में, या तो बायर क्या कर दे, अप्रूव कर दे, या तो बायर अप्रूव कर दे, बोल दे अरे भैया हमें बहुत पसंद आया, हम रख रहे हैं, एक्सप्रेस उसने अप्रूव कर दिया, या फिर डज एनी एक्ट, या कुछ ऐसा किया विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग, मतलब उसने ऐसा किया जिससे क्या दर्शा रहा है कि ये गुड्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसने कोई ऐसी चीज की जिससे ऐसा इक्विवेलेंट टू गुड्स वो एक्सेप्ट कर रहा है ऐसा लगे, या फिर उसने रिजेक्ट ही नहीं किया, मतलब गुड्स बायर के पास पड़े हुए हैं, उसने रीजनेबल टाइम में रिजेक्ट भी नहीं किया. व्हेन द बायर डिड नॉट रिजेक्ट इन रीजनेबल टाइम, दो महीने से बायर के पास ये सामान पड़ा हुआ है, उसने रिजेक्ट भी नहीं किया रीजनेबल टाइम में, तो मतलब अप्रूवल ही ऐसा ही माना जाएगा कि बायर ने एक्सेप्ट कर लिया और बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. सारे बच्चे समझा? कहता या तो उसने खुद ने अप्रूव कर दिया, या उसने रिजेक्ट नहीं किया रीजनेबल टाइम में, या वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वो इक्विवेलेंट, किस चीज से इक्विवेलेंट है कि गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिए, ऐसी चीजें कर रहा है जिससे लग रहा है कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर के पास, गुड्स अगर अप्रूवल बेसिस पे भेजे गए हैं तो. चलिए
चलिए ऑल राइट बेटा, सिंपल 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 मैडम, ये तो बहुत सिंपल था। हाँ बेटा, वेरी वेरी सिंपल। ओके, सेल फॉर कैश ओनली। मानो मैंने आपके घर सामान आपको भिजवाया और बोला कि तुम जब कैश दोगे ना, जैसे कई बार आप अमेजोन वगैरह से सामान मंगवा लेते हो क्या? हाँ, सीओडी होता है क्या, कैश ऑन डिलीवरी। तो जब आप कैश देते हो तभी ओनरशिप आपको मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। कहता है देखो, इन केस गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड ऑन सेल और रिटर्न ऑन द टर्म्स दैट गुड्स वर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड फॉर। सेलर के पास, सेलर की ही ओनरशिप रहेगी जब तक कि आप पैसे नहीं दे देते। लेट्स से आपके दरवाजे पे वो अमेज़न डिलीवरी पर खड़ी है, ठीक है, जब तक कि आप पैसे नहीं दोगे तब तक ओनरशिप नहीं मिलेगी, तब तक सेलर के पास ही ओनरशिप रहेगी। जब आप पैसे दे दोगे तब आपके पास ओनरशिप आ जाएगी। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर कंप्लाइड, मतलब कैश इज पेड। जब तक कि आप कैश नहीं दे देते तब तक आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी, दैट इज सेल फॉर कैश ओनली। चलिए आगे, रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजल, सेक्शन 25। आपने अभी भी पढ़ा था क्या, अनकंडीशनल राइट ऑफ डिस्पोजल। जब गुड्स एसर्टेंड, अनएसर्टेंड गुड्स जब होते हैं, अनएसर्टेंड गुड्स होते हैं, जब सेलर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखता तो बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। आपने अभी भी पढ़ा था क्या, जब अनएसर्टेंड गुड्स होते हैं तो सेलर जब अपना राइट नहीं रख रहा है डिस्पोजल का, सेलर ने बायर को अनकंडीशनली वो सामान दे दिया, कोई राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा, तो ऐसे केस में ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाती है। आपने अभी अभी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजल। एवरीबॉडी रेडी क्या, सारे बच्चे रेडी हैं? चलिए, रिजर्वेशन ऑफ राइट्स आपको चार्ट में समझाते हैं, सेक्शन 25। रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजल ये क्या है मैम? देखो, मतलब रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, मतलब आपने क्या किया है, सेलर के पास राइट्स रिजर्व्ड है, मतलब सेलर ने अपने पास राइट्स रखे हैं, मतलब ये कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। कंडीशनल मतलब, चलो लेट्स से आपने एक्सप्रेस करके सेलर और बायर ने डिसाइड किया है। सेलर ने क्या बोल दिया है, सेलर ने बोला है ए बायर, तेरे को ओनरशिप तभी मिलेगी जब तुम एडवांस में सारा पैसा मुझे पहले दे देते हो, ये कंडीशंस आप अगर फॉलो करोगे ना तो ही आपको मैं क्या दूंगा, ये पर्टिकुलर गुड्स को दूंगा। मतलब एक्सप्रेस तरीके से आपने डिसाइड कर लिया, सेलर ने बोल दिया कि बायर तुमको ओनरशिप तभी मिलेगी जब आप इन कंडीशंस का पालन करते हो, अगर आप इन कंडीशंस का पालन नहीं करोगे तो मैं आपको सामान नहीं दूंगा। तो इस केस में क्या किया, व्हेन सेलर ने क्या किया, इंपोजेस कंडीशंस, सेलर ने कंडीशंस इंपोज की, बोलकर सेलर ने एक्सप्रेस ओरली या रिटन में कंडीशंस एक्सप्रेस की, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सच, अगर ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशंस, जब ये कंडीशंस फुलफिल होगी ओनली देन ओनरशिप ट्रांसफर होगी। मतलब कंडीशन अटैच कर दी क्या, सेलर ने कंडीशंस अटैच की है, ओनली देन ओनरशिप शैल बी ट्रांसफर्ड टू बायर। हो सकता है बायर के पास ये सामान हो भी, पर ओनर नहीं बन जाएगा बायर। बायर ओनर तभी बनेगा जब बायर उन कंडीशंस को फुलफिल करता है जो सेलर ने इंपोज किया है। कहता है देखो, मतलब ये कंडीशनल हो गया, मतलब बायर ने कुछ कंडीशंस इंपोज की है, मतलब बायर ने अनकंडीशनली गुड्स को नहीं सेंड किया बायर के पास, सेलर ने क्या किया है, कंडीशंस इंपोज किया है बोलकर एक्सप्रेस, मतलब या तो ओरल में या रिटन में बायर को क्या बोला है कि तेरे को ओनरशिप तभी मिलेगी जब तुम इन कंडीशंस का फुलफिलमेंट करते हो, दैट इज योर एक्सप्रेस। अब ये क्या होता है, जब प्रिज्यूम किया जाएगा। दूसरा केस क्या है, जब प्रिज्यूम किया जाएगा
कि सेलर ने राइट रिजर्व किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व किया है। प्रिज्यूम कब किया है? ये देखो, या तो आपने बोल कर करके डिसाइड कर लिया कि देखो मैं ये कंडीशंस अटैच कर रहा हूं, अगर तुम कंडीशंस को पूरा करोगे तो ही राइट गुड्स का ओनरशिप आपके पास जाएगा। दूसरा केस क्या है, जब ये प्रिज्यूम किया जाएगा, मतलब डीम्ड, मान लो जब ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल को रखा है, कब प्रिज्यूम किया जाएगा? दो केसेस में। सारे बच्चे दो केसेस में माना जाएगा कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल को क्या किया है, रखा है अपने पास। कब प्रिज्यूम किया जाएगा? लेट्स से अब ये ए है, ए ने अपना सारा गुड्स किस में लगाया, या तो शिप कर दिया, सी को भेजना था सामान, तो सारा गुड्स या तो आपने एक शिप में लोड करवा दिया सी को भिजवाने के लिए, या फिर ए ने सारा गुड्स रेलवे में लगा दिया। ठीक है, सारा गुड्स आपने रेलवे का जो अटेंडेंट होता है उसको दे दिया, या फिर आपने शिप में डाल दिया, शिप के मास्टर को आपने क्या कर दिया, सारा सामान हैंडओवर किया है, जो कि आगे किसको दिया जाएगा? बायर को, सी को दिया जाएगा। अच्छा सारे बच्चे सुनना, जब आपने गुड्स रेलवे में लगाया तो रेलवे रिसीट इशू की गई, जब आपने गुड्स शिप में लगाया तो बिल ऑफ लैडिंग इशू किया गया, बिल ऑफ लैडिंग। ठीक है, अब क्या होगा, जब बायर इन सामान को लेने आएगा तो शिप मास्टर या रेलवे का जो अधिकारी है, रेलवे का जो मास्टर है, वो सामान तभी देगा जब ए जो सेलर है वो सहमति देता है। तो मतलब अगर बायर आया ये रेलवे रिसीट लेके, बायर आया बिल ऑफ लैडिंग लेके, बायर बोल रहा है रेलवे में जाके बोल रहा है ये सामान मेरा है, मेरे को दे दो, पर रेलवे वाला आदमी क्या कर रहा है, रेलवे वाला आदमी पहले सेलर या सेलर के एजेंट से पूछ रहा है कि सामान दूं या ना दूं। तो ऐसे केस में मुझे बताओ, क्या प्रिज्यूम किया जाएगा क्या कि सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल है? मतलब सेलर जब हां भरेगा तो ही रेलवे वाला आदमी या तो ही शिप का मास्टर सामान देगा बायर को, ऐसे नहीं दे देगा बायर को सामान, अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशन अटैच्ड है कि सेलर जब सहमति देगा तो ही रेलवे का आदमी या शिप का आदमी बायर को सामान देगा, ओनली जब सेलर या सेलर का एजेंट हां भरता है तो। तो ये इस केस में क्या प्रिज्यूम किया जा रहा है, हालांकि इनमें कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर प्रिज्यूम किया जाएगा कि सेलर के पास राइट है, क्योंकि बिना सेलर के बोले रेलवे वाला आदमी सामान नहीं देगा। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, कब प्रिज्यूम किया जाएगा राइट ऑफ डिस्पोजल दूसरे केस में? मैं दूसरा केस यहां लिखती हूं। दूसरे केस में लेट से रेलवे के पास सामान है, आपने ए ने सारा सामान रेलवे में लगा दिया या ए ने सारा सामान शिप में लगा दिया, शिप का मास्टर या रेलवे का जो अधिकारी है वो बायर को सामान तभी देगा जब बायर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ऐसा एक डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा होता है? ए लिखता है कि आप पे करोगे, बायर का नाम है लेट्स से सी, सी प्रॉमिसेस या सी अग्रीज या आप इस तरीका का भी बना सकते हो, इट्स एन ऑर्डर टू पे सी, एक मिनट, टू पे ए है ए, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इन 2 months। तो बेसिकली क्या किया है, इट्स एन ऑर्डर टू सी टू पे ए अ सम ऑफ रुपीज 10,000 रुपए या व्हाटएवर इन 2 months। अगर सी इसे साइन करेगा ना, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर सी साइन करेगा तो ही सी को क्या मिलेगा, सामान मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये प्रिज्यूम किया जा रहा है क्या कि सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल है? कब? या तो देखो रेलवे वाला आदमी बिना सेलर की सहमति से सामान देना, या फिर दूसरा केस क्या है, जब बायर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा, बायर जाके बोल रहा है मुझे वो सामान देना ना, मेरा सामान है, तो रेलवे वाला बोल रहा है कि भाई तुम इस बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन कर दो, अगर आप साइन करोगे ना तो ही मैं आपको सामान दूंगा। तो एवरीबडी, आपको समझ में आया रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजल? सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे।
अली अब्बास, बेटा यूट्यूब कम्युनिटी पे पूरा का पूरा स्केड्यूल अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हो, अली अब्बास। चलिए एवरीबडी समझ में आ गया। तो देखो, इन सर्टेन केसेस सेलर में रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अच्छा, एक्सप्रेस हो गया ये, सेलर ने जब बता दिया कि सर्टेन कंडीशन, जब तक कि आप सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे ना, तब तक आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इररिस्पेक्टिव हो सकता है आपके पास सामान हो बायर, पर ये आपका सामान नहीं हो जाएगा जब तक कि आप कंडीशंस जो सेलर इंपोज कर रहा है आप उसे फुलफिल नहीं करते। कहते हैं कुछ केसेस में सेलर क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है अपना राइट। कब वो रिजर्व कर लेगा, जब वो ये बोलेगा कि जब तक कि आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तब तक आपके पास प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। ये हो गया सेलर ने राइट को रिजर्व कर लिया। दूसरा केस हो गया ये, प्रज्यूम जब किया जाएगा। कहता है देखो, दो केसेस क्या हो गए, जब गुड्स आपने शिप किए हैं, डिलीवर किए हैं, या तो आपने शिप में लगा दिए या आपने रेलवे अधिकारी को दे दिए कैरेज पर्पस के लिए, रेल द्वारा या शिप द्वारा। जब शिप में सामान जाता है तो क्या इशू होता है, बिल ऑफ लैडिंग। रेलवे में जब सामान जा रहा है तो रेलवे रिसीट इशू होती है, एज द केस में भी। कहता है गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट। मतलब गुड्स बायर को तब दिए जाएंगे जब सेलर ऑर्डर करेगा या सेलर का एजेंट ऑर्डर करेगा। कहता है जब गुड्स शिप किए जा रहे हैं, गुड्स रेलवे में दिए जा रहे हैं, तो गुड्स जब सिर्फ और सिर्फ सेलर के ऑर्डर पे या सेलर के एजेंट के ऑर्डर पे बायर को दिए जाएंगे तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, डीम्ड माना जाएगा क्या, कि सेलर ने अपना राइट रिजर्व किया है डिस्पोजल का। सेलर ने अपना राइट रिजर्व किया है डिस्पोजल का जब सेलर की ऑर्डर पे ही सामान दिया जाएगा बायर को। दूसरा कहता है सेलर कैन ड्रॉ ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड द ट्रांसमिट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हो सकता है सेलर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया हो। कहता है इफ द बायर डज नॉट ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर बायर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा, अगर वो कर लेता है ओनली देन उसे सामान दिया जाएगा। इज लायबल टू रिटर्न द बिल ऑफ लैडिंग, मतलब नहीं तो बिल ऑफ लैडिंग जो भी बायर के पास है आप रिटर्न कर दो। सारे बच्चे समझ में आ गया, एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा, एवरीबडी, किसी को कोई डाउट है बेटा, एवरीबडी। एक तो देखो जब सेलर ने खुद से बोल दिया कंडीशंस, दूसरा जब प्रिज्यूम किया जाएगा, जब ये डीम्ड माना जाएगा। कब डीम्ड माना जाता है, जब रेलवे में सामान डाला गया है, शिप में सामान डाल गया और सेलर के बिना ऑर्डर के सामान ना दिया जाए, जब तक कि बायर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं कर देता जो कि ड्रॉन बाय सेलर है, तब तक अगर उसे गुड्स की ओनरशिप नहीं दी जा रही तो माना जाएगा कि जैसे सेलर ने अपना राइट रिजर्व किया है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूं, चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब भी सामान रेलवे में लगाया जाता है ना, जैसे ए सेलर है, ए सेलर है, सामान अगर वो रेलवे द्वारा भेज रहा है तो रेलवे क्या इशू करता है, रेलवे रिसीट इशू करता है कि सामान रेलवे में लग गया है, इसकी रिसीट। इसकी रिसीट की तीन कॉपीज होती है, थ्री कॉपीज। एक कॉपी किसके पास रहती है, ए के पास। दूसरी कॉपी किसके पास रहती है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर के पास, जो एडमिनिस्टर कर रहा है इस पूरे कंसाइनमेंट को। तीसरी कॉपी किसके पास रहती है, बायर के पास। तो बायर लेके, ये रेलवे रिसीट लेके बायर रेलवे अधिकारी के पास जाता है और बोलता है सामान दे दो। जब रेलवे अधिकारी किससे बात करे, पहले सेलर से बात करे, और दूसरे केस में जब रेलवे अधिकारी बोले कि आप सेलर का बनाया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करें, एक्सेप्ट करें, ओनली देन मैं आपको सामान दे सकता हूं, नहीं तो आप ये रेलवे रिसीट यहीं पे सबमिट करके चले जाओ, नहीं मिलेगा आपको सामान। एवरीबडी समझा, नहीं आलिया आज नहीं आएगा बेटा, क्योंकि आज हम सोगा का यूनिट 3 पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास उस टाइम तक बचेगा नहीं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके 4 बजे होते हैं, लेकिन आज 4 बजे तक तो हम इसी पार्ट को करेंगे, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए समझा आलिया, आपका जवाब मैंने आपको दे दिया है बेटा, आई होप आपने सुन लिया होगा। चलो बच्चों, एवरीबडी एवरीबडी समझ में आ गया, कौन से ऐसे दो सर्कमस्टांसेस होते हैं इन विच राइट ऑफ डिस्पोजल मे बी रिजर्व। कहता है ये दो सर्कमस्टांसेस होते हैं जब ये प्रिज्यूम किया जाता है, सेलर का ये प्रिज्यूम किया जाता है कि सेलर ने रिजर्व किया है अपना राइट। कब, दो केसेस जो मैंने आपको बताए। प्रिज्यूम कब किया जाता है, जब गुड्स शिप हो गए हैं या डिलीवर हो रहे हैं रेलवे द्वारा बाय बिल ऑफ लैडिंग या रेलवे रिसीट। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ सेलर, जब गुड्स सिर्फ सेलर के ऑर्डर से आगे दिए जाएंगे, या फिर व्हेन ही ड्रॉज अ बिल ऑन द बायर, जब सेलर ने बिल ड्रॉ किया है फॉर द प्राइस विद द बिल ऑफ लैडिंग टू सिक्योर पेमेंट
To secure acceptance or payment, the buyer must return the bill of lading if he does not accept. मतलब ये buyer bill of lading लेके गया सामान लेने. तो ये bill of lading के साथ जब तक कि वो bill of exchange accept नहीं कर देता, तब तक buyer को ownership नहीं मिलेगी. अगर वो नहीं लेना चाहता, bill of exchange नहीं accept करना चाहता, तो ये bill of lading उसे क्या कर लेना है? Surrender कर दो. ठीक है? Everybody समझा? ओके. अनपेड सेलर कल से नहीं होगा ओझा, कल से हमारा मैराथन स्टार्ट हो रहा है बेटा. फ्रॉम टुमारो द मैराथन इज स्टार्टिंग. तो मैराथन में अब आपका अनपेड सेलर कवर हो जाएगा. ठीक है? अभी जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं उसके में उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है. यूनिट 4 कब होगा? जब मैं यूनिट 2 कराती हूँ तो यूनिट 3 कब होगा? यूनिट 1 कराते हैं तो यूनिट 2 कब होगा? बेटा जो यूनिट चल रहा है उसको पढ़ लो पहले, है ना. चलो आ जाओ. ओके नेक्स्ट सेक्शन 26 क्या कहता है? रिस्क रिस्क फॉलोज ओनरशिप. अब इसमें क्या है सेक्शन 26 बेटा क्या कहता है? अनलेस अदरवाइज अग्रीड. आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आपने सेल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट किया तो कुछ और डिसाइड किया हो तो अलग बात है. आपने आपने जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कहता है ये जो रूल है ना, रूल 26, ये जो सेक्शन है सेक्शन 26 है ना, ये एब्सोल्यूट सेक्शन नहीं है. मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो. आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दूसरी चीज डिसाइड की है तो फिर वैसे होगा. देखो सेक्शन 26 स्टार्ट ही कैसे होता है? अनलेस अदरवाइज अग्रीड. आपने कुछ और अग्री किया है तो फिर वैसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा. कहता है गुड रिमेन्स एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन ट्रांसफर टू द बायर. कहता है जब तक कि बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाती तो रिस्क किसकी है? सेलर की. पर एक बार जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई बायर के पास तो फिर गुड्स किसकी रिस्क पे है? बायर की रिस्क पे है, वेदर डिलीवरी हुई कि नहीं हुई. सिंपल बात कह रहा है. कह रहा है देखो अगर जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ओनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं हुई नॉट ट्रांसफर्ड, तो रिस्क किसका है? सेलर का है. जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई यस, तो फिर किसकी रिस्क है? बायर की रिस्क है. कहते हैं डिलीवरी गुड्स की बायर के पास हुई नहीं हुई मतलब नहीं है. ओनरशिप बायर के पास चला गया तो फिर रिस्क बायर की है. सेक्शन 26 आल्सो लेज डाउन एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप. रिस्क ये सेक्शन 26 क्या कह रहा है? जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क. बायर की अगर ओनरशिप है तो बायर, अगर कोई नुकसान होता है तो बायर की रिस्क आएगी. अगर सेलर के पास ओनरशिप है तो कोई भी रिस्क है तो सेलर उसका कोई भी अगर गड़बड़ होती है गुड्स में तो रिस्क सेलर की होगी. मतलब जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क. मतलब रिस्क किसको फॉलो कर रहा है? ओनरशिप को. अगर ओनरशिप सेलर की है तो फिर सेलर नुकसान भरेगा. अगर ओनरशिप गुड्स की है बायर की है तो बायर सामान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बायर करेगा. कहता है रिस्क किसको फॉलो करता है? ओनरशिप को. कहता है देखो इसका एक्सेप्शन क्या है? इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर या सेलर. कहता है मान लो अगर डिलीवरी डिले हो गई, किसकी वजह से? या तो बायर की वजह से या सेलर के फॉल्ट की वजह से अगर डिलीवरी डिले हुई है, तो कहता है जिसका भी जो भी पार्टी एट फॉल्ट है फिर रिस्क उसकी होगी. मतलब लेट से आपको एक एग्जाम्पल देते हैं. कहता है वैसे तो रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप उसकी रिस्क. लेकिन एक और चीज इन्होंने बोल दी कि अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं हो पाई, डिलीवरी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ फॉल्ट, किसका हो सकता है फॉल्ट? हो सकता है बायर का फॉल्ट हो सकता है सेलर का फॉल्ट. तो ऐसे केस में जिसका फॉल्ट है उसकी रिस्क है. मतलब लेट से ए ने सामान बेचा किसको? बी को. ये सारा सामान ए के गोडाउन में पड़ा हुआ था. बी बोल रहा है मैं 4 दिन बाद आके डिलीवरी ले लूंगा. लेकिन एक वीक निकल गया, 7 डेज निकल गए और बी आया ही नहीं डिलीवरी लेने के लिए. ए के गोडाउन में आग लग गई. बी ने क्या बोला था? मैं आके 7 दिन में सामान ले, 4 दिन में सामान ले जाऊंगा. लेकिन बी 4 दिन में सामान नहीं लेके गया. उसके बाद ए के गोडाउन में आग लग गई, सारा सामान खत्म हो गया. तो मुझे बताओ रिस्क किसकी है? मुझे एक बात बताओ, डिलीवरी
किसके फॉल्ट की वजह से नहीं हो पाई, बायर के फॉल्ट की वजह से। तो रिस्क भी किसका है, बायर का है। कहता है देखो वैसे तो रिस्क जो ओनर है उसी का ही होता है, लेकिन अगर डिलीवरी किसी पर्टिकुलर आदमी के फॉल्ट से नहीं हो पाई, बायर या सेलर, तो जिसने फॉल्ट किया उसका ही रिस्क है। और दूसरा बोलता है जैसे मान लो ए ने सामान बेचा बी को, बी बोला यार मैं डिलीवरी ना तुमसे 4 दिन बाद लूंगा, 4 डेज बाद मैं सामान ले लूंगा, तो गोडाउन के किसके गोडाउन में सामान पड़ा है, ए के गोडाउन में सामान पड़ा है, तो ए को भी उसकी देखभाल करनी पड़ेगी गुड्स की। मतलब ऐसा नहीं है कि सामान बिक गया बी का हो गया तो आप उसको एकदम कचरे के पेटी के पास जाके रख दे रहे हो, उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कोई ऐसी चीजों के पास रख दे रहे हो जो कि फ्लेमेबल चीजें हैं जिसमें गुड्स में आग लग सकती है। नहीं, कहता है देखो अगर सामान आप ही के पास पड़ा है ना, सेलर बायर का सामान अगर आपके पास पड़ा है ना, तो थोड़ा बहुत आप भी एज अ बेली एक्ट करो, आपकी भी ड्यूटी है गुड्स को ठीक से रखने की, आप भी एकदम ही निग्लेक्ट नहीं कर सकते गुड्स को, एंड वाइस वर्सा। कहता है देखो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ इधर सेलर, सेलर या बायर की लाइबिलिटी एज अ बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी। आपको अपनी ड्यूटीज तो निभाने ही पड़ेंगे, सेलर आपके पास अगर सामान एज अ बेली पड़ा हुआ है, मतलब ये सामान सेलर आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है जो बायर का है, बायर अभी तक लेके नहीं गया, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या करें, आप उन सामान को एज अ बेली अच्छे से रखें। आपके पास अगर किसी और का सामान पड़ा है तो सेम गोज फॉर बायर ऑल्सो। लेट से ए ने कुछ सामान अप्रूवल के लिए किसको भेजा, बी को भेजा। बी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया सामान को, बी के पास पड़ा है, बी के गोडाउन में पड़ा है, तो बी क्या उसको ऐसे ही रख देगा क्या, बी बोलेगा ये मैं तो ओनर नहीं हूं, ओनर तो ए है, चलो लगने तो इस सामान में आग, ऐसे थोड़ी होता है। कहता है ये आपकी भी ड्यूटी बनती है, ये आपकी भी लाइबिलिटी है कि बी बायर एज अ बेली आप सामान को अच्छे से रखो, समझा। तो कहता है ऐसा नहीं है कि जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, ये तो है, पर आपकी भी ड्यूटी है कि एज अ बेली आप सामान को ठीक से रखें, समझा। गेमिंग गुरु नहीं है बेटा, मैंने बता दिया, क्योंकि ये सेशन ही हमारा 4 बजे तक चलेगा, इसलिए वो सेशन हम नहीं ले पाएंगे, है ना, क्योंकि ये सेशन हमारा 4 o'clock तक चल जाएगा, इसलिए वो सेशन हम नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। गेमिंग गुरु स्पैम मत करो, ब्लॉक हो जाओगे बेटा, मत करो, स्पैम करोगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे बेटा, मत कीजिए। अनअकैडमी टीम कीप्स अ वॉच ऑन दिस एवरीबडी। चलिए एवरीबडी, समझ में आ गया, सिंपल सिंपल सी बात है, सारे बच्चे समझ गए क्या? सारे बच्चे समझ गए। देखो कहता है सेलर की रिस्क कब है, जब सेलर की प्रॉपर्टी, सेलर की ओनरशिप है। कहता है जब ये प्रॉपर्टी बायर के पास चली गई तो बायर की रिस्क है, सिंपल। रिस्क किसको फॉलो करती है, ओनरशिप को। लेकिन और दो चीजें लिखी हुई है। कहता है देखो अगर डिलीवरी डिले हो गई, डिलीवरी किसी को करनी थी और डिलीवरी डिले हो गई, किसकी, या तो बायर या सेलर की फॉल्ट से, किसी भी आदमी की फॉल्ट से अगर डिलीवरी डिले हुई है, तो रिस्क उस पार्टी की होगी जो फॉल्ट पे है। और साथ साथ में ये भी बोला है, कहता है देखो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ड्यूटी नहीं है टुवर्ड्स अदर पर्सन गुड्स। कहता है तुम्हारी ड्यूटी और तुम्हारी लाइबिलिटी तो बनती है एज अ सेलर या बायर, एज अ बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी। अगर आप गुड्स को होल्ड करके रखे हो एज अ बेली फॉर दी अदर पार्टी, तो आपको भी, आपकी भी कुछ ड्यूटीज बनती है, लाइबिलिटीज बनती है गुड्स की तरफ। एवरीबडी समझा। एवरीबडी समझ गया, सारे बच्चे समझ गया क्या बेटा? आप अपने जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस सेशन पे ध्यान दीजिए, प्लीज चैट में बात मत करो, ये सेशन आपके लिए लिए जा रहे हैं बेटा एवरीबडी, ठीक है। एवरीबडी समझा, सिंपल है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, बट उसी के साथ साथ अगर डिलीवरी डिले हुई है बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द बायर और द सेलर, देन गुड्स एट रिस्क, गुड्स आर एट रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट, लॉस जो भी इनकर हुआ है शैल बी ऑफ द पार्टी जो फॉल्ट किया है, जिसका फॉल्ट हुआ है, ठीक है, ओके ओके। मैम प्लीज रिप्लाई टू मी, बेटा आपका सवाल ही नहीं दिख रहा है मुझे। हेलो मैडम, आपने बोला हेलो मैडम, फिर मैंने अगर आपको रिप्लाई नहीं दिया, बोलो प्लीज रिप्लाई टू मी, बेटा यू हैव कम लेट टू द क्लास, आ जाओ।
एवरीबडी 27 से 30 हमने अच्छे से कर लिया था. ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, हमारी पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ा था. दैट वॉज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर. याद आ रहा है ये चीज हमने पिछली ही क्लास में पढ़ी थी. नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, मतलब अगर मेरे पास गुड्स का गुड टाइटल ही नहीं है तो मैं सामने वाले को, बायर को, गुड टाइटल ट्रांसफर ही नहीं कर सकती. अगर मैं खुद सामान को चुरा कर लाई हूं तो अगर मैं किसी को दूंगी तो सामने वाले के पास भी उसकी गुड टाइटल उसको नहीं मिलेगा, सामने वाले को भी. ठीक है, तो आपने ये सारा, तो बेटा अहमद, बेटा वापस से लिख दो ना सवाल. अहमद आप वापस से लिख दो ना बेटा, आप थोड़ी ना मैं ऊपर ऊपर जाके आपका सवाल ढूंढूंगी. इतना सारा चैट चल रहा है. एवरीबडी, सारे बच्चे, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पे है तभी मैं आगे पढ़ाऊंगी. एवरीबडी, आप लोग बहुत बात कर रहे हो बच्चों. अगर आप सिर्फ बात करने के लिए आए हो तो देर इज नो पॉइंट टेकिंग सेशन, क्योंकि आप सिर्फ बात करते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना क्लास लेने का. मैं क्यों पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, अगर आपको सिर्फ बात ही करना है तो सेंस ही नहीं बनता ना बेटा. चलिए, ओके, चलो. नेमो दैट, इसको याद रखिएगा इस लाइन को, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, मैंने आपको यह बताया था कि एक नॉन ओनर कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता. मैं वो चीज दे ही नहीं सकती जो मेरे पास नहीं हो. नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, जो चीज मेरे पास है ही नहीं. अगर मेरे पास गुड टाइटल है ही नहीं तो मैं उस गुड टाइटल को आगे ट्रांसफर भी नहीं कर सकती. नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट. बट इसके कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़े थे. सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट मतलब अगर मेरा बिजनेस एजेंट अगर कोई सामान बेचता है, ठीक है, अगर मेरा बिजनेस एजेंट जिसको सामान मिला है मेरे कंसेंट से, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट कर रहा हो, ठीक है, बायर उससे गुड फेथ में जब सामान खरीदता है, आर वी लाइव, ओके, लेट मी चेक इफ यू आर लाइव. एक मिनट बता दो, आर वी लाइव? हम लाइव है ना, अभी थोड़ा सा लैग आया था एक. चलो ओके, ठीक है. तो कहते हैं सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, मतलब क्या कहते हैं, देखो अगर आपका बिजनेस एजेंट सेल कर रहा हो जिसको गुड आप ही की कंसेंट से मिले हैं और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एक्ट कर रहा है, बायर ने उससे गुड फेथ में सामान खरीदा है, तो एक नॉन ओनर होते हुए भी, एजेंट एक नॉन ओनर होते हुए भी आगे क्या कर सकता है, टाइटल, गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है. वैसे ही सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, मतलब अगर मान लो तीन जॉइंट ओनर थे और एक जॉइंट ओनर सारा का सारा सामान बेच देता है किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन ने सामान गुड फेथ में अक्वायर किया है, तो ऐसे केस में जो थर्ड पर्सन को ओनरशिप मिलेगी, वो टाइटल मिलेगा, वो गुड टाइटल ही मिलेगा. सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैंने किसी को लेट्स से मैंने किसी पे ऐसा गन पॉइंट पे किसी से सामान ले लिया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो है, गन पॉइंट पे कोअर्शन करके किसी से सामान ले लिया. अब मैं ये सामान अगर किसी और सामने वाले को बेच देती हूं तो क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी क्या सामने वाले को? बिल्कुल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, जब तक कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ना किया गया हो. ठीक है, उसके बाद सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटिन्यूज इन पोजेशन, मतलब मैंने आपको कोई सामान बेचा, आप बोले कि मैडम मैं दूसरा मार्केट घूम के आता हूं, तब तक सामान आपके पास रखो. मैंने अगर बीच में ये सामान किसी और को सेल कर दिया, आपका सामान था, आपने ऑलरेडी खरीद दिया था, पर मेरे पास सामान पड़ा हुआ था, पर मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही आप गए सामान किसी दूसरे आदमी को डबल प्राइस में बेच दिया. तो जिस भी आदमी ने इस सामान को खरीदा, अगर गुड फेथ में खरीदा हो,
विदाउट द नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल खरीदा हो तो ही गेट्स द गुड टाइटल, उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। एंड या फिर बायर को मैंने सामान भेजा था, मैंने बोला था कि यार तेरे को अच्छा लगे तो तू रखना, वो ओनर है क्या? नहीं, ही डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी, बट उसके पास पोजेशन है सामान का। बायर के पास पोजेशन है पर बायर के पास ओनरशिप नहीं है। बायर अगर सामान को बेच दे तो जो थर्ड पार्टी ने सामान को गुड फेथ में खरीदा है तो वो प्रॉपर्टी, वो पार्टी को क्या मिल जाएगा? गुड टाइटल मिल जाएगा। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल मतलब क्या है कि मेरे सामने कोई मेरा ही सामान बेच दे और मैं रोकू ना, तो क्या सामने वाले को गुड टाइटल मिल जाएगा? मैंने डिनाई ही नहीं किया सेलर की अथॉरिटी को, मेरे सामने मेरा ही सामान किसी ने बेच दिया और मैंने डिनाई नहीं किया सेलर की अथॉरिटी को टू सेल, तो ऐसे केस में सामने वाले को, ट्रू ओनर को गुड, मतलब सामने वाला गेट्स द गुड टाइटल। अनपेड सेलर, अगर मेरे को पेमेंट नहीं मिली, मैं अनपेड सेलर हूं, मैं लियन एक्सरसाइज कर सकती हूँ क्या? जो बायर का सामान अपने कब्जे में कर सकती हूँ क्या, क्योंकि मुझे उस पर पैसा नहीं मिला? हाँ, और वो मैं सामान, हालांकि मैं ओनर नहीं हूं, ओनर तो बायर है, बट आई कैन सेल द प्रॉपर्टी एंड द बायर गेट्स द गुड टाइटल। एंड या तो ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, या सेल बाय पॉनी, मतलब बैंक के पास आपका सामान गिरवी रखा हुआ था, आपने पैसा नहीं चुकाया, तो बैंक आपके सामान को बेच सकता है क्या बींग द नॉन ओनर? यस, तो सेल बाय पॉनी या फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स या ऑफिशियल रिसीवर द्वारा सामान बेचा गया हो। ये सारे पॉइंट्स हमने कल की क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लिए थे। नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, आप वो चीज दे ही नहीं सकते जो आपके पास ना हो, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। एजेंट द्वारा सेल किया गया, जॉइंट ओनर द्वारा सेल किया गया, या सेल अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सेलर सेल्स द गुड्स, सेलर गुड्स सेल कर रहा है जिसका वो ओनरशिप नहीं है, जिसके पास उसकी ओनरशिप नहीं है। एंड सेल बाय अनपेड सेलर, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जैसे ऑफिशियल रिसीवर सेल कर रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए, ये कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था, तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाया है। अगर किसी भी बच्चे को इसे डिटेल में देखना हो, ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने कल की क्लास में डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है? चलिए, अंशिका तिवारी, मैम आप योर रिकॉर्डेड स्टूडेंट प्लीज, मैम आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन माई स्टडीज, प्लीज हेल्प। बेटा अब तो जो आपको जितना पढ़ पा रहे उतना पढ़ लो, आपको क्या डिफिकल्टी है बेटा पढ़ाई में? अंशिका, राइट नाउ इज द टाइम, जो भी आपका बचा हुआ है ना, आप उसका एक प्लानिंग कर लो बेटा, कितना बचा हुआ है, कब करोगे, कैसे करोगे, एक प्लान के हिसाब से पढ़ोगे ना तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी, जिस भी बच्चे का जितना भी पार्ट बचा है बेटा, अगर आप उसको प्लान के हिसाब से पढ़कर बनाओगे ना तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। चलिए, ओके, नाउ अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस सेक्शन में, इस पूरे यूनिट में हार्डली कुछ चीजें पढ़ी है। सेक्शन 31 to 44, देखो डिलीवरी बचा है, डिलीवरी, डिलीवरी पढ़ते हैं अपने। सारे बच्चे तैयार हैं? डर के आगे जीत है बेटा, डरना नहीं चाहिए। चलिए चलिए, ओके, डिलीवरी, देखो डिलीवरी जरूरी है क्या? डिलीवरी मतलब अगर किसी ने आपसे सामान खरीदा है तो डिलीवरी करना मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। कहते हैं फिजिकल पोजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर डिलीवरी फिजिकली किसी को सामान देना जरूरी नहीं है। कहते हैं बायर को अगर गुड्स पे राइट मिल जाए, राइट ओवर द गुड्स, बायर शुड बी प्लेस्ड। कहते हैं फिजिकली डिलीवरी मतलब कहते हैं फिजिकली सामान देना जरूरी नहीं है डिलीवरी के लिए। कहते हैं बायर इस पोजिशन में होना चाहिए कि वो क्या एक्सरसाइज कर सके, गुड्स पे अपना राइट एक्सरसाइज कर सके। कहते हैं डिलीवरी मतलब पोजेशन, डिलीवरी मतलब अपने से सामान सामने वाले को दे देना। कहते हैं डिलीवरी के लिए फिजिकली सामान देना जरूरी नहीं है। अगर आप बायर को कोई ऐसे पोजीशन में रखो कि वो अपने गुड्स पे राइट एक्सरसाइज कर सके तो मतलब डिलीवरी हो गई, मतलब फिजिकली हैंड ओवर करना जरूरी नहीं है, फिजिकल पोजेशन देना जरूरी नहीं है। बायर अगर कोई ऐसी पोजीशन में हो कि वो गुड्स को क्या कर सके, गुड्स पे राइट अपना एक्सरसाइज कर सके, तो मतलब डिलीवर हो गया। आपने ये तीनों डिलीवरी पढ़ी है, यूनिट वन में हमने पढ़ी थी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, आपको यूनिट वन में समझाई गई थी। एक्चुअल मतलब फिजिकली सामने वाले को सामान दे देना, सिंबॉलिक मतलब कार के कीज दे देना, या मैंने रेलवे की रिसीट दे दी कि जाओ रेलवे से सामान उठा लेना, रेलवे की रिसीट दे देना, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब, जब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है,
जब गुड्स का पोजेशन मेरे से आपके पास चले जाए पर गुड्स की कस्टडी ना बदले, याद आ रहा है? लेट से मैंने सामान आपको बेच दिया लेकिन गुड्स मेरे ही गोडाउन में पड़ा हुआ है, आप बोल रहे हो बाद में लोगे, तो मुझे बताओ गुड्स का पोजेशन चेंज नहीं हुआ, गुड्स का कस्टडी चेंज नहीं हुआ, पर गुड्स आपको डिलीवर जरूर हो गए, मतलब मेरे ही गोडाउन में पड़े हुए हैं, आप बोल रहे हो कि अपने गोडाउन में रखो मैं बाद में लूंगा, तो गुड्स का पोजेशन ना चेंज हो, गुड्स की कस्टडी चेंज नहीं हुई, गुड्स मेरे ही गोडाउन में पड़े हैं, और क्या हो गया, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बट आप एक्सरसाइज कर सकते हो राइट इन गुड्स पे एवरीबडी, ये हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था। चलिए, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन, सेक्शन 31 क्या कहता है, देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, ये सेलर की ड्यूटी है गुड्स को डिलीवर करना बायर को, और ये बायर की ड्यूटी है गुड्स को एक्सेप्ट करना और गुड्स के लिए पे करना। सिंपल बात है ना यार, सेल जब हो रहा है तो सेलर की ड्यूटी है गुड्स को डिलीवर करने की, बायर की ड्यूटी है गुड्स को एक्सेप्ट करने की और गुड्स के लिए पे करने की, ऑफ कोर्स तभी तो सेल होगा, राइट। सेक्शन 32 कहता है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, मतलब सेलर शैल बी रेडी, सेलर रेडी होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए पोजेशन देने के लिए, और बायर रेडी होना चाहिए प्राइस पे करने के लिए और डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए इन एक्सचेंज ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो कहता है देखो, पेमेंट और डिलीवरी दोनों क्या है, कॉन्करेंट कंडीशन है, मतलब सेलर रेडी होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए पोजेशन देने के लिए, और बायर रेडी होना चाहिए पैसा पे करने के लिए ताकि उसे पोजेशन मिल जाए, दोनों हैंड इन हैंड चलता है। जब सेलर आपको पोजेशन देगा तो बायर को भी क्या करना पड़ेगा, इन एक्सचेंज पैसा पे करना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा, बायर रेडी होना चाहिए, विलिंगली होना चाहिए रेडी टू पे फॉर द प्राइजेस, ठीक है। कहते हैं देखो, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन, दोनों कॉन्करेंट कंडीशन है, सेलर रेडी होना चाहिए, वही चीज, कॉन्करेंट कंडीशन होना मतलब सेलर तैयार होना चाहिए गुड्स का पोजेशन देने के लिए और बायर तैयार होना चाहिए प्राइस पे करने के लिए ताकि उसे क्या मिल जाए, गुड्स का पोजेशन मिल जाए। कहता है पेमेंट एंड डिलीवरी दोनों साथ साथ में चलता है, मतलब सेलर रेडी होना चाहिए डिलीवर करने के लिए और बायर रेडी होना चाहिए पैसा पे करने के लिए, प्राइस पे करने के लिए ताकि उसे डिलीवरी मिल जाए, ताकि उसे पोजेशन मिल जाए, सिंपल। चलिए डिलीवरी के लेके जो भी रूल्स है, जो भी चीजें हैं वो पढ़ते हैं। सारे बच्चे नहीं बेटा, मैं स्किप करने के लिए कभी नहीं बोलती प्रियंका। चलिए एवरीबडी सेक्शन 33 पे ध्यान देंगे। डिलीवरी करना मतलब या तो फिजिकली सामान हैंडओवर कर देना, या बायर अगर उन गुड्स पे राइट एक्सरसाइज कर सकता है तो मतलब डिलीवरी हो गई। डिलीवरी ऑफ गुड कैन बी मेड ईदर बाय पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर। कहता है डिलीवरी कब मानी जाएगी, या तो आप गुड्स को बायर के पास दे दो, गुड्स को बायर के पोजेशन में दे दो, या फिर और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम, या बायर ने कोई दूसरा आदमी ऑथराइज किया तो उसको दे दो, ठीक है, ओके, या फिर जैसा भी आप दोनों ने एग्री किया वैसा कर दो। तो कहते हैं डिलीवरी मतलब जब आप सामान के पोजेशन को बायर को दे देते हो, मतलब आप अगर बायर ने ये सामान खरीदा है तब जब या तो मैं ये सामान को बायर को दे दूं या किसी दूसरे आदमी को दे दूं जो बायर ऑथराइज करता है, तो मतलब डिलीवरी हो गया, मतलब जैसे भी वो गुड्स पे राइट एक्सरसाइज कर सके। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, सेक्शन 34 क्या कहता है, कहता है देखो, लेट से आपको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। सारे बच्चे आना, ये है सेलर, सेलर और बायर के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। सेलर को 500 यूनिट्स भेजनी थी, किसको, बायर को, लेकिन सेलर बोला कि एक साथ तुम्हें 500 नहीं दे सकता, मैं आपको ये दो भाग में दूंगा, 250-250 करके दूंगा। तो कहता है जब सेलर ये 250 यूनिट्स बायर को दे देगा, पार्ट डिलीवरी कर रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ था, पूरा 500 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर सेलर ने बोला मैं 500 तो एक साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको एक बार 250 ही यूनिट्स देता हूं। तो कहता है ये पार्ट डिलीवरी कैसी मानी जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि जैसे पूरी की पूरी डिलीवरी होगी, होल डिलीवरी होगी, ऐसा माना जाएगा। पार्ट डिलीवरी भी अगर सेलर कर देता है तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे पूरी की पूरी डिलीवरी हो गई। दूसरा केस, अगर मान लो सेलर ने दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किया होता, सेलर ने बायर के साथ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किया होता 250 गुड्स का, और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किया होता, अलग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया होता 250 गुड्स का, जब ये 250 गुड्स चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की भी डिलीवरी हो गई, नहीं, अगर दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं,
दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की कर दी, नहीं ये नहीं कह रहा है। जब आपका 500 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट था और आपने पार्ट डिलीवरी कर दिया तो माना जाएगा जैसे पूरा का पूरा होल डिलीवरी हो गया। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी मतलब अगर पार्ट डिलीवरी भी हो गई गुड्स की तो ऐसा माना जाएगा जैसे डिलीवरी ऑफ होल, जैसे पूरी की पूरी डिलीवरी हो गई। इट विल हैव सेम इफेक्ट एज इफ डिलीवरी ऑफ द होल, एज इफ पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन सच गुड एज द डिलीवरी ऑफ द होल। कहता अगर पार्ट डिलीवरी भी हो जाए ना, इफ द पार्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज मेड, अगर पार्ट डिलीवरी भी हो जाती है तो उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे पासिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इन होल, जैसे सारी की सारी डिलीवरी हो गई, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, ओके। कहता है हाउएवर अ पार्ट डिलीवरी विद एन इंटेंशन ऑफ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द होल, मतलब अगर दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए होते तो फिर ऐसा माना नहीं जाता कि पूरे दोनों कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गए, नहीं। अ पार्ट डिलीवरी विद एन इंटेंशन ऑफ सीवियरिंग इट फ्रॉम द होल, मतलब अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए होते, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए होते, तो ऐसे केस के अंदर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी हुई है तो दोनों की मानी नहीं जाएगी। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें अगर पार्ट डिलीवरी हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि सारे के सारे गुड्स डिलीवर हो गए, डिलीवरी ऑफ द होल हो गया, उसका वैसा सेम इफेक्ट होगा। चलिए, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। कहता है सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, कहता है सेलर की ड्यूटी नहीं है कि सेलर गुड्स को डिलीवर करे अंटिल बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। अगर बायर बोलता है कि यार मुझे सामान डिलीवर कर दो तो सेलर सामान डिलीवर करेगा, या फिर जैसा भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया है उस हिसाब से काम होगा। कहते हैं वैसे तो सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है गुड्स को डिलीवर करने की जब तक कि बायर मांगता नहीं है डिलीवरी, या जब तक कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड नहीं किया है, सेलर की ड्यूटी नहीं है, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर। जब तक कि बायर मांगे ना डिलीवरी, या जब तक कि बायर कॉन्ट्रैक्ट में ना डिसाइड किया हो आपने, तब तक बायर आएगा सामान लेगा, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर until and unless it has been decided in the contract. अगर आपने contract में decide किया तो अलग बात है, otherwise seller is not bound to deliver the goods. Place of delivery, कहता है place of delivery कब मानी, कहाँ मानी जाएगी कि कहाँ delivery हुई, place of delivery क्या होगी। कहता है when the sale contract is made, जब आपने contract किया है sale का, लक्षित okay करेंगे, बिल्कुल लक्षित, आपके 10 दिन की strategy में जल्दी upload करूंगी, don't worry, ठीक है। हाँ संचेती कर सकते हैं, आफ्टर द लेक्चर गेट्स ओवर आप बाद में कर सकते हो। प्रियांशु अभी ऑलरेडी बाहुबली टीम ने आपके लिए अमेंडमेंट की वीडियो डाली हुई है तो आप देख सकते हैं बेटा। चलिए, व्हेन सेल कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कहते हैं जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, द पार्टीज माइट अग्री टू सर्टेन टर्म्स फॉर डिलीवरी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। Depending on the agreement, buyer might take the possession of the goods from the seller, or the seller might deliver them to buyer. कहता जैसे भी आपने decide किया है contract में, कहता देखो place of delivery क्या मानी जाएगी, place of delivery मानी जाएगी जैसा भी आपने contract में decide किया हो कि buyer सामान deliver करेगा seller को, या बायर सामान लेगा सेलर से, या सेलर सामान डिलीवर करेगा बायर को, जैसा भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है वैसे ही माना जाएगा प्लेस फॉर डिलीवरी। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में अलग से डिसाइड नहीं किया गया तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाएगी, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ। कहता है देखो, इफ नो सच टर्म्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट देन एज पर लॉ, लॉ क्या बोलता है, कहता है देखो या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट के सेल में डिसाइड कर लिया हो कि डिलीवरी कहां होगी तो प्लेस डिसाइड हो गया एज पर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आपने कोई भी प्लेस एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड ना किया हो, इफ नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉ क्या कहता है, गुड्स सोल्ड आर डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। कहते हैं जहां पर भी गुड्स थे सेल के दौरान वहीं पे गुड्स डिलीवर होंगे, वही माना जाएगा। जहां पे भी आपने अग्रीमेंट टू सेल किया वहां पे ही गुड्स डिलीवर होंगे, गुड्स आर डिलीवर्ड एट द प्लेस जहां पे आपने अग्रीमेंट ऑफ सेल किया, या फिर अगर गुड्स येट टू मैन्युफैक्चर है तो जहां पे मैन्युफैक्चर होंगे वही होगी प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये माना जाएगा। कहता है देखो या तो आपने टर्म्स में डिसाइड कर लिया हो कि डिलीवर कहां होगा तो प्लेस ऑफ डिलीवरी वो हो जाएगी, अगर आपने
बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी डिसाइड नहीं किया हो, तो लॉ के हिसाब से प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या काम आनी जाएगी? प्लेस जहां पे गुड्स थे एट द टाइम ऑफ सेल, जब आपने सेल किया तो गुड्स कहां थे वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी, या जहां आपने अग्रीमेंट टू सेल किया गुड्स जब कहां थे वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी, या गुड्स आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, भी मैन्युफैक्चर होने बाकी है तो जहां मैन्युफैक्चर होंगे वो प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाएगा। ठीक है, एवरीबडी? ठीक है, नहीं शानू आई विल नॉट रिक्वेस्ट यू टू स्किप बेटा, डू एवरीथिंग, यू हैव टाइम, यू कैन कवर। चलिए सिंपल, ओके, टाइम ऑफ डिलीवरी सारे बच्चे, टाइम ऑफ डिलीवरी कब माना जाएगा? कहता सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन रीजनेबल टाइम व्हेन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर आपने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सेलर को गुड्स भिजवाने हैं बायर को, तो टाइम क्या रहेगा डिलीवरी का? कहता रीजनेबल टाइम में डिलीवर कर दो। ऐसा कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है बट रीजनेबल टाइम। कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेलर को सामान भेजने हैं बायर को, बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, अगर कोई टाइम एज सच फिक्स नहीं हुआ है तो सेलर को विद इन रीजनेबल टाइम सामान को भिजवा देना है। सिंपल, टाइम क्या होना चाहिए डिलीवरी का? कहता है एज सच अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा टाइम डिसाइड नहीं किया है, नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, तो रीजनेबल टाइम में जो भी टाइम रीजनेबल हो सेलर को भेज देना चाहिए सामान, किसको? बायर को। गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, मान लो ए ने सामान भेजा लेकिन ये जो गुड्स है ये ए के गोडाउन में पड़े हुए हैं। लेट्स से ए का, या तो ए के दोस्त के पास पड़े हुए हैं। लेट्स से ए का, ए ने ये सामान बेच दिया किसको? बी को। लेकिन ये जो गुड्स है ये किसके पोजेशन में है? गुड्स किसी ए के फ्रेंड के पोजेशन में है, ए के फ्रेंड के पोजेशन में। तो कहता है ए ने क्या बोल दिया? ए ने बोल दिया ए बायर तू मेरे दोस्त से बात कर ले, दोस्त का ये नंबर है, ये नंबर है, उससे ले लो सामान। तो कहता है डिलीवरी कब तक मानी जाएगी? कहता है इफ एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के दौरान अगर गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पोजेशन में है, देन देयर इज नो डिलीवरी। डिलीवरी कब तक मानी नहीं जाएगी? जब तक कि थर्ड पार्टी एक्नॉलेज ना कर दे बायर को कि गुड्स उसके पास में पड़े हुए हैं। कहता है एट द टाइम ऑफ सेल अगर गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पोजेशन में है, तो डिलीवरी कब मानी जाती है? जब थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर दे। डिलीवर कब हो गया, ये कब माना जाएगा? जब थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर देता है कि मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। जब तक कि थर्ड पार्टी एक्नॉलेज नहीं करता तब तक देयर इज नो डिलीवरी। ठीक है, ओके, समझा? ओके सिंपल, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, ये एकदम सिंपल है कि जो डिलीवरी की जाएगी वो बिल्कुल रीजनेबल आवर में की जाएगी। मतलब अगर सेलर सामान भेज रहा है बायर को, तो सेलर आधी रात को सामान नहीं भेज सकता, 3 बजे ऐसे दरवाजा नहीं खटखटा सकता बायर का कि ये ले सामान ले ले, नहीं। या बायर अगर खुद डिलीवरी लेने आ रहा है तो बायर नहीं बोल सकता ये सेलर दुकान खोल तो 3 बजे मुझे सामान चाहिए। कहता नहीं, जो भी डिलीवरी है वो रीजनेबल आवर में होनी चाहिए, ऐसा 1 बजे रात को मिडनाइट नहीं होना चाहिए। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, सेलर विल बेयर ऑल द एक्सपेंसेस टू पुट द गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स को पैकेजिंग करना, उसे डिलीवरेबल स्टेट में डालना, ये किसका कौन खर्चा बेयर करेगा? सेलर। अगर आप टीवी भेज रहे हो तो टीवी को अच्छे से पैक करो, प्रिकॉशंस डालो, उसमें थर्माकोल वगैरह डालो, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, सारा खर्चा कौन बेयर करेगा? कहता है सेलर। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, कहता है अगर सेलर डिलीवर्स लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जितना बायर ने बोला था उससे कम क्वांटिटी ऑफ गुड्स अगर आप भेज देते हो, तो बायर के पास 2 ऑप्शन है, बायर रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे पूरा पैसा देना पड़ेगा, जो भी डिसाइड किया था, जो भी रेट थी। सबसेक्शन 2 कहता है अगर सेलर, ये तो था लेसर क्वांटिटी भेज दिया, अगर सेलर ने ज्यादा क्वांटिटी भेज दिया, तो बायर ने ऑर्डर तो किए थे 10 पीस, सेलर ने 12 पीस भेज दिए, लार्जर क्वांटिटी भेज दिया, तो कहता है बायर के पास ऑप्शन है, बायर एक्सेप्ट कर सकता है क्वांटिटी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। या तो बायर 10 गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा, 2 को रिजेक्ट कर देगा, या सारा का सारा इंटायरली रिजेक्ट कर देगा, या फिर इंक्रीज्ड क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा और पे करेगा पूरा का पूरा। कहता है देखो अगर बायर ने बोला था मुझे 12 गुड्स दे देना, पर आप उसे क्या भेज रहे हो, 15 गुड्स भेज रहे हो, तो कहता है या तो वो 15 के 15 एक्सेप्ट कर लेगा, या 15 में से 12 एक्सेप्ट कर लेगा बाकी के रिटर्न कर देगा, या फिर पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ही वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो बायर के पास ये ऑप्शन है, एक्स्ट्रा का मनी दे देगा। सबसेक्शन 3 कहता है इफ द सेलर डिलीवर्स अ मिक्स ऑफ गुड्स
where some part of the goods are mentioned in the contract and some are not. कहता है अगर seller deliver कर रहा है कुछ mix of goods, मतलब seller ने goods मंगवाए, seller कुछ सामान भेजा buyer को, buyer ने बोला था goods A भेजना, पर seller ने goods A और B, let's say goods A और D कर देते, A और D mix करके भेज दिया, तो ऐसे केस में buyer या तो जो goods contract के हिसाब से है, A वाले goods वो accept कर लेगा, बाकी के reject कर लेगा, या सारा का सारा reject कर देगा, या तो उसने क्या बोला, उसने बोला मैंने सिर्फ आपसे toothpaste मंगवाया था, आपने मुझे ये टूथब्रश क्यों भेज दिया? कहता या तो सिर्फ टूथपेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेगा, बायर में एक्सेप्ट द गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, बाकी टूथब्रश को रिजेक्ट कर देगा, या फिर वो पूरा का पूरा टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश सारा ही रिजेक्ट कर देगा, ही में रिजेक्ट इट एंटायरली. ठीक है, ओके ओके. इंस्टॉलमेंट जो भी है, कहता है जो भी ये सारी चीजें होगी एज पर द यूसेज ऑफ ट्रेड होगी, मतलब धंधे के ट्रेड के कस्टम्स के हिसाब से होगा ये सब. इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, कहता है देखो वैसे तो सेलर को एक साथ सारी डिलीवरी कर देनी चाहिए, सेलर से एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि सेलर आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिलीवरी करो. कहता है बायर डज नॉट हैव टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, बायर की ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि बायर आप डिलीवरी एक्सेप्ट करो इंस्टॉलमेंट में, अनटिल एंड अनलेस आपने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया हो तो. आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये कोई जरूरी नहीं है कि बायर एक्सेप्ट ही करे डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट. बायर बोलेगा मुझे सारा सामान एक साथ चाहिए, तो कहता है ये जरूरी नहीं है बायर एक्सेप्ट करे इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी, अनटिल एंड अनलेस आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अदरवाइज अग्री किया हो तो. समझ में आ गया एवरीबॉडी? वेरी वेरी सिंपल बेटा. किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? अगर कोई भी डाउट है बेटा यहां पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. Anybody, any doubt? कहते देखो बायर की कोई ड्यूटी नहीं बनती इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी लेने की, सेलर आपको सारा का सारा सामान एक साथ देना चाहिए, तो ऐसा बायर डज नॉट हैव टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स. लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया तो फिर अलग बात है. ठीक है, डिलीवरी टू कैरियर. कहता है देखो ए ने, सेलर ने सामान अगर किसी ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया, जो कि सामान आगे बायर को देगा, तो जब आप सामान कैरियर को दे देते हो, डिलीवरी जब कैरियर को हो जाती है तो मतलब बायर को हो गई, ऐसा माना जाता है. डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज डीम्ड टू हैव डिलीवर्ड टू द बायर. कहता है ए ने जब सामान किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया आगे बायर को देने के लिए, तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि बायर को ही दे दिया, जैसे कि बायर को डिलीवरी हो गई, वैसा माना जाएगा. चलिए मैम कल कौन सा यूनिट होगा? बेटा सैयद कल से, सैयद कल से अपना मैराथन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, मैराथन्स. कल 12 तारीख है ना, तो कल से मैराथन स्टार्ट हो रहा है, मैराथन रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी आपके एग्जाम्स के लिए. तो जो यूनिट 4 है वो मैराथन में आपका लिया जाएगा. ठीक है, चलो अब लास्ट के तो कुछ पॉइंट्स बाकी है. डेटोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर ट्रांजिट के समय गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, लेट से ए है दिल्ली में और गुड्स आपको भेजने हैं, बायर है कोलकाता में, तो अगर डिलीवरी के समय गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इफ द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, मतलब बायर कोलकाता में दूर जगह भेजना है, तो अगर गुड्स बीच में डिटोरेट हो जाते हैं इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, तो लाइज विद द बायर. लाइबिलिटी किसकी होगी? बायर की. लाइबिलिटी किसकी होती है? बायर की लाइबिलिटी होती है. Even though seller agrees to deliver at his own risk, even though seller ने अपनी risk पे सामान कोलकाता deliver किया है, but फिर भी क्योंकि sale हो गया है, तो buyer की responsibility होगी. Buyer's right to examine the goods, सामान को accept करने से पहले buyer बिल्कुल सामान को क्या कर सकता है? Examine कर सकता है कि सामान जो उसने order किया था वैसे ही है ना, मतलब seller ऐसे नहीं बोल सकता कि तुम खोल के नहीं दे सकते, नहीं. तो कहता है buyer has a right to ascertain कि जो भी goods उसके पास आ रहे हैं वो contract के हिसाब से जो decide किए वही है ना. बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी जाएगी टू एग्जामिन द गुड्स, मिलनी चाहिए. कहते हैं सेलर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बायर को टू एग्जामिन द गुड्स. चलिए एंड अब तो छोटा छोटा पॉइंट है बेटा 42. बायर ने डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया कब माना जाएगा? ये रिपीटेड पॉइंट है जो हमने पढ़ा था. कब माना जाएगा कि बायर ने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली? जब बायर सेलर को बोल देता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया.
या बायर कुछ ऐसा काम करता है जिससे ये लगता है कि ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो गई, या गुड्स बायर के पास पड़े हुए आफ्टर द रीजनेबल टाइम ऑल्सो, उसने रिजेक्ट नहीं किए. सेम चीज जो हमने ऊपर आज ही की क्लास में पढ़ी थी, गुड्स जब अप्रूवल पे भेजे जाते हैं तो कब माना जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो गए बायर को? जब बायर या तो सेलर को बोल दे कि मैं गुड्स को रख रहा हूं, या कुछ ऐसा करे जिससे पता चल जाए कि गुड्स उसी के हैं, ओनर है, एंड रिटेन्स द गुड. जब वो रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स. कहता है देखो अगर गुड्स खराब है, मान लो बायर के पास गुड्स आए वो सैंपल के हिसाब से नहीं है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, तो बायर रिफ्यूज भी कर सकता है कि मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा. और बायर की कोई ड्यूटी नहीं बनती इन गुड्स को सेलर को रिटर्न करने की भी. कहता है देखो आपके पास एक अमेजोन का पार्सल आया, आपने बोला अरे ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, मैं नहीं रखूंगा, तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती वापस से सेलर को ये सामान भेजने की? नहीं, आप रिजेक्ट कर सकते हो. ओके, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स. कहता है जब सेलर रेडी है, विलिंग टू डिलीवर द गुड्स है, सेलर रेडी है. आपने पढ़ा था ना पेमेंट एंड पोजेशन जो जाता है क्या होना चाहिए, एक साथ, इट्स हैंड इन हैंड, इट गोज हैंड इन हैंड. कहता है जब सेलर रेडी है, विलिंगली रेडी है टू डिलीवर द गुड्स, और रिक्वेस्ट करता है बायर को डिलीवरी लेने के लिए, पर बायर रीजनेबल टाइम में अगर डिलीवरी नहीं देता, लेता नहीं है, बायर बोलता है कि हाँ ले रहा हूँ लेकिन रीजनेबल टाइम में डिलीवरी नहीं लेता है आफ्टर द रिक्वेस्ट, तो कहता है उसके बाद जो भी लाइबिलिटी सेलर इनकर करेगा उसका भुगतान कौन करेगा? बायर करेगा. मतलब सेलर के गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, बायर बोल रहा है आज लूंगा कल लूंगा आज लूंगा कल लूंगा, और सेलर को रेंट देना पड़ रहा है गोडाउन का उसकी वजह से, तो ये रेंट वो किससे वसूलेगा? बायर से वसूलेगा. लाइबिलिटी ऑफ द बायर, बायर क्या कर रहा है? निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, ले नहीं रहा है, गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई लॉस सेलर को हो रहा है तो लॉस की भरपाई बायर करेगा. सिंपल. रणवीर, नहीं बेटा 4 बजे का सेशन नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक तो यही सेशन चल रहा है, अब ये जाके पूरा खत्म हुआ है. अगर कि मैम इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज का सेकंड पॉइंट, एक मिनट, रीशु का पॉइंट है इंस्टॉलमेंट वाला. इफ सच एन अग्रीमेंट एग्जिस्ट देन पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज. मतलब ये है कि मतलब अगर आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सेलर आपको इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी देगा, बायर एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगे. सिंपल है. ओके सारे बच्चे, तो हमने एक एक चीज यहाँ पे यूनिट 3 की कवर कर ली है. ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द यूनिट 3 हैज बीन एक्सप्लेन इन डिटेल्ड. मैंने थोड़ा, जैसे अगर हम जब अगर इसको प्लस क्लास में पढ़ाते हैं तो 2-3 दिन लेते हैं यूनिट 3 को एक्सप्लेन करने में. आई टेक अराउंड 2 टू 3 डेज लगता है, लेकिन अभी क्योंकि आपके एग्जाम सर पे हैं तो हमने थोड़ा क्विक रिविजन किया है. मैंने ट्राई भी किया कि मैं रिवाइज भी करवाऊं और आपको समझा भी दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे को कोई पॉइंट ना समझ आए हो, तो मैंने इस तरीके से आपका ये सेशन लिया है कि आपको मैं पढ़ा भी दूं, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई पॉइंट समझ में ना आए तो समझ भी जाओ, रिवाइज भी हो जाओ और समझ भी जाओ. इस हिसाब से मैंने क्या किया है, आपको आज की क्लास करवाने की इस तरह से कोशिश की है कि रिवाइज भी हो जाए, और अगर आपको कोई पार्ट पहले समझ में नहीं आया था तो अब समझ में भी आ जाए. ठीक है, चलिए. ओके बेटा, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बेटा. तो इसी के साथ आज अपना 4 बजे वाला क्लास नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमारा यही क्लास चल रहा है और 4 बजने वाले हैं. तो अपना क्या करूंगी मैं, आपका सोगा का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक दिन बीच में ले लिया जाएगा, मिस नहीं होगा आपका, डोंट वरी. मैं आपका एक डेट देख लेते हैं अपने, आज 14 है ना, तो अपने कल से एवरीबडी, कल है 12th, कल से ना आपका मैराथन रिविजन स्टार्ट हो जाएगा बेटा, कल से 12th से. तो आपका कंपनीज एक्ट अपने स्टार्ट कर देंगे कल से. आपका टाइम टेबल पूरा कम्युनिटी पोस्ट में है, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, और उसके बाद पूरा सोगा, ये सारा का सारा आपका है. अपने जो सोगा के क्वेश्चंस है ना बेटा, मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ 14th को. 14th को अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे सोगा के. ठीक है, तो आपकी आज की जो क्लास 4 बजे होने वाली है, ये आगे मैं रीस्केड्यूल कर देती हूँ, क्योंकि आज अभी तक चल रहा है ना, तो अपने मिस नहीं करेंगे. सोगा के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, पर 14 तारीख तक कर लेंगे. ठीक है, ओके. मैराथन कितने बजे से होगी बेटा? मैराथन की सारी डिटेल्स है ना आपको यूट्यूब के कम्युनिटी में मिल जाएगी. कम्युनिटी है ना, उसमें सारे डिटेल्स मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा, आपको सारे टाइमिंग्स पता चल जाएंगे. ठीक है,
और इसी के साथ साथ बेटा आज की क्लास को बाय बाय, यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो CA दीपिका, या फिर मेरा दूसरा कोड है दीपू। तो दोनों में से आप कोई भी कोड को यूज कर सकते हो अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्ड क्लासेस लेना चाहते हैं, अपनी सक्सेस रेशियो को 100% करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है तो आप अपनी क्लासेस को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट कोड है बेटा, इस कोड को यूज करके आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो व्हाइल सब्सक्राइबिंग ऑन टू द अनअकैडमी। ऑलराइट मैम, मॉक टेस्ट पेपर देना जरूरी है? देने से बढ़िया होगा बेटा, देने से कॉन्फिडेंस आता है। मॉक टेस्ट पेपर देने से ना फायदा मिलता है आपको, कॉन्फिडेंस आता है कि एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे, उसका एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपको देना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करती हूँ। अगर टाइम है तो बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है मैम। कल कोई लेक्चर नहीं था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला आपने बोला था 2 दिन होगा। कल कोई लेक्चर इसलिए नहीं था क्योंकि कल का सेशन हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक दिन पहले ले लिया था और क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो गए थे, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन आगे सोगा का ये जो सेक्शन है, सोगा का अपने एक सेशन लेंगे 1-1.5 घंटे का, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सोगा के आगे कवर हो जाएंगे। बाकी जब आपके मैराथन भी लूंगी तो भी आपको पता ही है कि आपके क्वेश्चंस भी दिखाए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो जो पार्ट हम पढ़ेंगे उस पर किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो कल से मैराथन फाइनल रिविजन होगा बेटा। अभी तक हमने बहुत बार हर चीज को रिवाइज किया है, पर कल से जो रिविजन होंगे वो फाइनल रिविजन होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से हम रिवाइज करेंगे। आप लोग सारे एकदम अलर्ट माइंड के साथ आएंगे ताकि सारी चीजें मैराथन में रिवाइज कर सके। ऑल राइट बेटा जी, नहीं शिवम, दीपू, दीपू ही है बेटा मेरा कोड, सिर्फ दीपू, दीपू, दीपू 10 नहीं, दीपू, CA दीपिका और दीपू। चलिए ऑल राइट, हैव अ गुड डे बच्चों, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एंड बाय बाय, सी यू।